आज की जो ज्वेलरी है उसके बारे में क्या कहेंगे जो आपने ईयरिंग पहनी? ये एक्चुअली मैं इंडोर्स कर रही हूँ पीएन गडगिल को, तो उनकी ज्वेलरी पहनी हुई हूँ. और पीएन गडगिल भी एक ऐसा ही ब्रांड है जो बहुत ही इनोवेटिव है और मेरे हिसाब से सबके बजट में जो बैठता है उनके हिसाब से वो चलते हैं. आज की जो रात है वो आप जानते हैं कि इट्स द इंडियन रिटेलर्स अवार्ड नाइट, ज्वेलरी रिटेलर्स अवार्ड नाइट. ये अपने आप में ही आई थिंक इंडिया के ज्वेलरी ऑस्कर्स है, क्योंकि ये एक बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं. एंड आई थिंक दिस इज़ गुड, क्योंकि जब ज्वेलर्स ही एक आपस में एक कंपेटिटिव स्पिरिट रखते हैं तो एक बेस्ट काम निकलता है सबका. जैसे हम आर्टिस्ट भी बहुत कोशिश करते हैं कि चलो यार इस फिल्म में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दो कि शायद अगले साल अवार्ड मिले. तो आई एम श्योर इन लोग भी ऐसी ही मेहनत करते हैं कि अच्छे डिज़ाइंस निकालें और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दें. तो आई थिंक हम कंज्यूमर्स के लिए ही अच्छा है. तो आगे दूसरी टॉपिक पे चल, कोई बात नहीं. अभी मेरी नेक्स्ट रिलीज़ होगी शब, जो ऑनिर ने डायरेक्ट की है. इट्स लाइक अ लव स्टोरी, थ्रिलर काइंड ऑफ अ लव स्टोरी, ह्यूमन ड्रामा. एंड इंटरेस्टिंग है, ऑनिर बहुत अलग तरीके की पिक्चरें बनाता है, तो और एक पुराने मित्र भी हैं, तो मज़ा आया उनके साथ काम करने में. जी हाँ बिल्कुल. फ्रीडम आपके लिए क्या है? आई थिंक फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है कि आजकल की जनरेशन इतनी वैल्यू नहीं करती है जितने हम सोचते हैं. वो जो जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो लड़ लड़ के अपनी जान मिटा गए हम लोगों के लिए, आई फील हमको ज़्यादा थोड़ी वैल्यू करनी चाहिए. जहाँ तक कि हमारे देश का सवाल है, हम सब समझते हैं हाँ देश का प्रॉब्लम है यार, हमारी ज़िंदगी को तो अफेक्ट नहीं कर रहा ना, चलो होने दो. वो एक गलत एटीट्यूड है जो आज की जनरेशन में कहीं कहीं नज़र आती है. आई फील हर एक अगर ये सोचने लगे कि जो देश की प्रॉब्लम है वो मेरी भी प्रॉब्लम है और मुझे भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए और मुझे भी उठ के उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए, तो आई फील ये देश बहुत ही सुधर जाएगा. कुछ विशेष देना चाहेंगे आप? इतना भाषण दे दिया और मैं क्या बोलूँ. अच्छा हाँ वो तो बिल्कुल. नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सबको स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जय हिंद. थैंक यू सो मच.